प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरधामां दी यात्रा किवें करिए? गुरु अमरदास जी जद लोग उदरण अर्था तीर्थां ते गए सन, तो गुरु रामदास जी ने तुखारी राग दे एक छंत विच उचार दस्या कि संगतां नाल राह चलदे सतगुरु गुरु अमरदास जी ने ऐसा प्रबंध कर दिता सी कि हर वेले हर घड़ी ते हर पल सिवाय कीर्तन तो कुछ नहीं सी हुंदा। एक भगती दा रंग ही सब नू चढ़ गया सी। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, अन दिन भगत बनी खिन खिन निमक विखा। गुरु हर राय जी जद आप खडूर साहिब, गोइंदवाल, तरन तारण, हरिमंदर साहिब ते ननकाणा साहिब संगतां नाल गए तो साडे लई पूरने पाउण लई आसन जमीन ते लगाया ते विश्राम भी पुंजे कीता, पलंग मंजा ना वरत्या। जद संगतां ने पुछया कि गुरु धामां दी यात्रा वेले की संभालां रखणियां चाहीदियां हन, तां सतवें पातशाह ने फरमाया, जां गुरु के जाइए तां एक मन एक चित गुरु आराधदियां कीर्तन करदियां सुणदियां जाइए, राहे जांदियां सत जत संतोख धर्म जप तप आनंद खेमा दे घर होए जावै, अते सदा कीर्तन गुण गोविंद कथा शब्द साखी का प्रगास हुंदा जाए। हासा ठट्ठा मश्करी नहीं करनी, जे कोई चेष्टा चस्के जां गरजां रख नाल टुरे हन उन्हां नूं कोई ढोई नहीं। गर्भ गुमान अभिमान नज़र बिकारी नहीं रखनी, निम्रता धार टुरना है, किसी ने बाहरों रोक के जां वखरा पकाउण लई प्रबंध नहीं करना। जो लंगर पके उसनों शरदा नाल पंगत विच बैठ के छकना है, जिथे पड़ा होवै दीवान साजण वध तो वध समा गुरबाणी सुनन ते उपदेश ग्रहण करन लई ही लगाउणा है। किसी उचेचे सुख साधन लई याचना नहीं करनी, जिथों तक हो सके सेवा विच हाथ सफल करने हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।